मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज उन्होंने खंडवा के बोरगांव से लेकर छेगांव माखन देशगांव होते हुए यात्रा, जहां रात्रि विश्राम है खेरदा में, वहां पर इस समय रात्रि विश्राम उनका चल रहा है। दूसरे दिन और पहले दिन कल बुरहानपुर आज खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा को भारी जनसमर्थन मिला, या यूं कहें कि 80% कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह के साथ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए और ऐसा ज़्यादा दिखाई दिया, क्योंकि राहुल गांधी का सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है जिसके चलते आम आदमी उनसे नहीं मिल पा रहा और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी उनसे नहीं मिल पा रहे। इस तरह की चीज़ें जब उनकी यात्रा के दौरान मीडिया कवरेज में हमने देखी, लोगों ने बताया, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका गांधी भी और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी और उनका सुपुत्र आर्यन भी इस यात्रा में शामिल हुआ। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता और आसपास के राज्यों के भी बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता इस यात्रा को लेकर क्या कहते हैं, आइए उनकी बात आपको सुनवाते हैं कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं। आपको आगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात भी सुनवाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, और देख यारा फीकी लगे है ये सुबह तो आजकल, लालिमा इसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। ऐसी कुछ लाइनों के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं पूरे देश की, और वो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रारंभ होती है और वो कहते हैं सभा को संबोधित करते हुए कि देश में अब एक डर का, दहशत का, भय का माहौल बना हुआ है, भारत को जोड़ने की जरूरत है। तब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत टूटा कब था, तो इनसे पूछते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में है क्या, आखिर भारतीय जनता पार्टी की नजर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को पहले भारत के बारे में जानना चाहिए। भारत क्या है? भगवान श्री राम जी की भूमि है, और वहीं इसी कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम के मंदिर बनाने पर रोक लगाई थी। वो भारत की असलियत को जानते ही नहीं है। भारत को अखंड रूप में हम देखना चाहते हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा है, लेकिन राहुल गांधी जी के नाना जी ने इस भारत देश के टुकड़े किए। कश्मीर को भारत के लोकतांत्रिक हिस्से से अलग रखा। ऐसे कई ऐसे अन्य वाक्य है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के विरुद्ध में, और असली भारत जोड़ो यात्रा अगर निकालनी चाहिए तो उसमें पहले इनको जानना चाहिए कि भारत देश है क्या, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का किसान, भारत के अन्य वर्गीय लोग, इन सभी को एक साथ लेकर चलने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकालते, लेकिन इन्होंने हमेशा लोगों को बांटने का काम किया। धर्म के नाम पर बांटना, वर्ग के नाम पर बांटना, अमीर को और अमीर करते गए, गरीब को बिल्कुल गरीब पे लाकर छोड़ दिया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने सभी को सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ाया, और इसी के साथ जब हमारी योजनाएं कार्य करने लग गई, हमने ऊपर से योजना बनाई और उसको जमीनी स्तर तक उतारा, तब कांग्रेस पार्टी जमीन से अपनी पूरी छवि खत्म करती हुई आज इस स्थिति में है कि कांग्रेस के पास लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। अब इसीलिए सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा का नाम देना, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा असली में वही निकाल सकता है जिनको भारत देश का मतलब पता हो। आपने भारतीय संस्कृति के हर मुद्दे का जब विरोध किया हो, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो, आप कश्मीर में जितने आतंकवादी हमले हुए और आतंकवादियों के साथ खड़े रहे, जो कि एक नाम मैं भूल रहा हूँ, कश्मीर में एक व्यक्ति हुआ करता था जो हमारे प्रधान, पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी फोटो भी आती रहती है, जिन्होंने आतंकवाद भड़काने का एक बहुत बड़ा योगदान था उसका, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करना, और अब जो डर और भय का माहौल है, ऐसा कोई माहौल इस देश में नहीं है। सब अपनी बात निश्चिंता से रखते हैं। डर और भय का माहौल वहां पे होता है जहां पर कांग्रेस पार्टी है, जिसका उदाहरण हमने महाराष्ट्र में देखा, जब दो पंडितों,
मौत के घाट उतार दिया गया जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। यही 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 तो कांग्रेस कहती है कि जब भी हम भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं मुद्दों की, रोजगार की, शिक्षा की, तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म और मजहब और मंदिर की बात करने लग जाती है। क्या कहेंगे आप, क्या कहते हैं सर? अभी शिक्षा का स्तर देखा जाए तो शिक्षा के स्तर में बहुत बढ़ोतरी हुई है, और जिस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं गाँव में, क्षेत्र में, शहर में, ये बोलते हैं कि डर का माहौल है। मैं तो कहना चाहूंगा गाँव के विकास को देख के कांग्रेस के अंदर डर का माहौल है। आज गाँव में देख लो, कुटीर के माध्यम, आवास योजना के माध्यम से देख लो, शिक्षा के माध्यम से देख लो, हर माध्यम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सहयोग किया है गाँव में। छोटा किसान हो, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, हर चीज में गांव का किसान भी खुश है, कोई यहां पर डर का माहौल नहीं है। बाकी ये जो राहुल गांधी जी को, तो ये बोलना चाहिए कि आप कांग्रेस जोड़ो, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, अखंड भारत है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप तो कांग्रेस को जोड़ने के लिए निकले, आप पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आपकी जो मानसिकता है कांग्रेस के लिए बनाइए। देश तो एकजुट है और मोदी जी का ये भारत है जो एक अखंड भारत है, अखंड भारत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ो, पर दादा कांग्रेस की जो यात्रा दिखाई दे रही है, भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि ये सारे जो लोग हैं हमारे साथ, ये आम लोग हैं, ये किसान लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश में खाद की दिक्कत है, फसल बीमा नहीं मिल रहा है, ये वो लोग हैं। क्या कहते हैं आप? किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भारत जोड़ो जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, मतलब पहले सत्य को बोलना सीख ले, क्योंकि यही मध्य प्रदेश में अगली बार जो सरकार बनी थी, इतना झूठ बोल के कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। भाई एक किसान का भी कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया है, इसलिए यहाँ की जो जनता है बहुत परेशान है, मतलब परेशान है जनता। इन्होंने कहा था कि जो अपना वादा पूरा नहीं किया, पर वो बात भी राहुल गांधी ने कही। उन्होंने ये कहा कि हम तो करने वाले थे, पर 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने 15 महीने में हमारी सरकार के जो विधायक थे उन्हें खरीद लिया और हमारी सरकार जो है वो बदल दी, नहीं तो हम तो सब कुछ करने वाले थे। क्या कहेंगे आप? 10 दिन और 15 महीने में बहुत अंतर होता है। आप 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले थे, आपने कर्जा माफ नहीं किया। 15 महीने बहुत होते हैं किसी भी रेगुलर किसान को डिफॉल्टर बनने के लिए, जिसका नुकसान वो आज तक भुगत रहा है, और 15 महीने में कोई सरकार किसी ने छीनी नहीं है। आप ही के लोग आपसे बगावत करके हमारे पास आए हैं, और आप ही के लोग आपसे क्यों बगावत कर गए इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगर आपने जनता से वोट मांगे हैं और अगर कोई वचन दिया है तो उन वचनों को पूरा करना भी चाहिए, और उसकी नियत भी होनी चाहिए, और नियत तो बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इसलिए उनकी सरकार गई और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सारे कार्य हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज हम पुनासा में थे, पुनासा में नगर पंचायत का आज शपथ ग्रहण था, आज नगर पंचायत बन गई है, आगे और विकास कार्य होंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 15 महीने में हमारी सरकार चला दी, बात 10 दिन की हुई थी, और 10 दिन और 15 महीने में बहुत अंतर होता है 10 दिन और 15 महीने में। राहुल गांधी जी जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, महिला भी परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं सबसे पहले वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें। तो ये इन लोगों का कहना है। दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है अपनी इस उम्मीद के साथ है कि अभी भी सरकार हमारी है, आगे भी हमारी होगी, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सिर्फ एक यात्रा ही बनकर रह जाएगी। फिलहाल मुझे निमिष भंसाली को दीजिए इजाजत, काकू न्यूज चैनल की ओर से अनूप खुराना जी के साथ नमस्कार। खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा।